गोल लगातार समाचार बटुए नोखा से रिपोर्टर बानी मंटू कुमार चंद्रवंशी जी। खबर के हेडलाइन सुनी, नोखा थाना परिसर में शुभ के दिने शांति समिति के भइल बैठक, धार्मिक जुलूस पे रही रोक। खबर का बा विस्तार से जानी, स्वतंत्रता दिवस मुहर्रम पर्व के लेके शुभ के नोखा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंस के ध्यान रखत शांति समिति के बैठक कैल गई। जौना बैठक में दोनों समुदाय के दर्जनों लोग भाग लेलन। बैठक में स्वतंत्रता दिवस या मुहर्रम पर्व के लेके कई गो दिशा निर्देश दिहल गई। लोग के संबोधित करत जदयू नेता विजय सेठ बतैलन कि सब लोग कोरोना महामारी के देखत अपना अपना घर पे ही पर्व मनाई जा। यह मौका पे सीओ सुमन कुमार, दरोगा चंद्रशेखर सिंह, बिहारी प्रसाद गुप्ता, रविशंकर सिंह, मुखिया चित्रंजन तिवारी सहित सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बता दें कि कोरोना के भयावहता के देखत बिहार सरकार पूरी तरह से कोनो भी धार्मिक आयोजन पे रोक लगा दे रही है। एकरा पीछे सबसे बड़ा कारण बटुए कि कोरोना के तीसरका लहर के संकेत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन दे चुकल बटुए। हालांकि एकरा खातिर एहतियातन बिहार सरकार पहले ही से मंदिर आ मस्जिद दोनों बंद करके रखल गई है, ताकि कोरोना के प्रभाव के कम कइल जा सके। जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका बा ओकरा के रोक के रखल बटुए। यह सोच बटुए ही अंतर्गत लगातार जब भी कोनो पर्व आवता तो शांति समिति के बैठक करके सब धर्म के धर्म गुरु लोग के बुला के संकेत दे दिया था कि पूरी तरह से कोनो भी धार्मिक आयोजन DJ बैंड बाजा धूम धड़ाका सब कुछ पे रोक रही। साथे साथ जो भीड़ जुटता ओकरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रही। एकरा के लेके गाइडलाइन जारी कई बटुए। एकरा अलावे अगर केहू ए तरह के आयोजन करत पकड़ा गई तो उनका ऊपर आपदा के तहत केसो हुई। ऐसे रोड़ा सबसे निहोरा बटुए कि घर पे ही मुहर्रम के त्यौहार मनाई और साथे साथे 15 अगस्त में भी भीड़ भाड़ा धूम धड़ाका मत करी। संभव होके तो अपना घर पे ही एगो तिरंगा लहरा दी। ये सारा चीज निवेदन थाना परिसर में कर गई। बता दिया जाओ कि लगातार कोरोना के भयावहता के देखत ऐसा निर्णय लिया गया बटुए। भोजपुरिया समाचार रोरा सबके पल पल खबर से अपडेट करावत रही। रोरा सबसे एक निहोरा रहेला कि खबर देखला के बाद एकरा के शेयर कर दी और लाइक निकी कर दी तो लाइक बटन दबा दी और साथ साथ चैनल अगर सब्सक्राइब निकी कैले तो चैनल के बेल आइकॉन के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।